वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल, माय नेम इज गौरव। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हैप्पी मकर संक्रांति। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं हर संडे आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए ये वीडियो क्यों लेकर आया हूं? दोस्तों, कल 15 जनवरी है और कल आर्मी डे है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 26 जनवरी भी आने वाला है। आप 26 जनवरी की परेड देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके मन में भी ये जोश आ जाए कि आपको भी एक आर्मी का ऑफिसर बनना है। इसलिए आज मैं आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक सैनिक से लेकर जो आर्मी का फील्ड मार्शल होता है, आपको सारे बैजेस बताऊंगा, आपको उनकी रैंक्स बताऊंगा, ताकि आपके सामने कोई आर्मी का ऑफिसर जा रहा हो या फिर कोई हवलदार या फिर कोई सैनिक जा रहा हो तो आपको उसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। यहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल दूंगा। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे इनकी रैंकिंग्स और बैजेस से लेकर वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भारतीय सेना होती है, इंडियन आर्मी होती है, इसमें तीन तरह के काम करने वाले होते हैं। सबसे पहले कमीशन्ड ऑफिसर, उसके बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जिसे JCO बोला जाता है, और आपका नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। तो कमीशन ऑफिसर की बात करें तो ये सेना के सीनियर मैनेजमेंट होते हैं। जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट तक के रैंक इसके तहत आते हैं। ये IS ऑफिसर के इक्वली माने जाते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कमीशन्ड ऑफिसर कैसे बनते हैं, आपको कहां से कोर्स करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन कीजिए, मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बनाना चाहता हूं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की बात करें JCO की, तो ये सेना के जूनियर मैनेजमेंट होते हैं। सेना में सूबेदार मेजर से लेकर नायब सूबेदार तक के रैंक इसके अंदर ही आते हैं। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की बात करें तो ये JCO के जितने भी JCO बोलता है इनको काम करने के लिए कि आपको ये काम करना है, तो JCO के आदेश पर ही काम करते हैं। हवलदार से लेकर सिपाही तक के रैंक इसके तहत ही आते हैं। तो सभी सैन्य कर्मियों की वर्दी पर अलग अलग बैज लगे होते हैं। बैज देखकर पता चल जाता है कि यह अधिकारी किस पद पर है। आइए जानते हैं रैंक और बैज। दोस्तों, मैं श्योरिटी देता हूं कि ये वीडियो अगर आप देख लेंगे ना पूरी, तो आपके सामने कोई भी एक आर्मी का ऑफिसर जा रहा होगा ना, तो आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। उसके बैज देखकर आप पहचान लेंगे कि ये ऑफिसर इस नाम से जाना जाता है, इसका जो है ये ओहदा उसको मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमीशन ऑफिसर में फील्ड मार्शल की। तो इसकी पहचान की बात करें तो ये फील्ड मार्शल है, ये सबसे बड़ा ओहदा होता है आर्मी में। तो पहचान बैज पर अशोक चिन्ह, ये जो अशोक चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वाला, ये अशोक चिन्ह लगा होता है। और खिलते कमल की माला में तलवार और डंडा क्रॉस रूप में चिन्ह होता है। तो ये देखिए आप, ये जो लाइनिंग सी जा रही है यहाँ पर, ये लाइन है आपके खिलते हुए कमल है, और ये आपका डंडा है, और ये आपकी एक तलवार है। तो ये आपका जो यहाँ पर चिन्ह इनको दिया हुआ है। ये इंडियन आर्मी का सर्वोच्च रैंक है। ये अपने पद से कभी रिटायर नहीं होता, यानी ये समझ लीजिए कि मरते दम तक ये आर्मी में बने रहते हैं। अभी तक सिर्फ फील्ड मार्शल सैम मानेकशा व फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को ही यह सम्मान मिला है। दोनों का निधन हो चुका है। तो आपको बता दूं, ये आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जा सकता है, और पूछा भी गया है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि आपका जो है किन किन को अभी फील्ड मार्शल की पोजीशन मिली हुई है। तो जनरल या सेना प्रमुख की बात करें तो बैच पर अशोक चिन्ह, इसके नीचे 5 किनारे वाला सितारा, इसके नीचे तलवार और डंडा क्रॉस रूप में है। तो सबसे पहले अशोक चिन्ह, और एक आपका ये सितारा, और ये आपका जो है डंडा, और ये जो है आपका तलवार, यहां पर देख सकते हैं आप। तो फील्ड मार्शल के मानद रैंक के बाद यह सर्वोच्च रैंक होता है, यानी इनके बाद यही रैंक आती है। तो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COASE यह रैंक हासिल कर सकता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो बैच पर अशोक चिन्ह आप देख सकते हैं, इसके नीचे तलवार और डंडा क्रॉस रूप में है। ये डंडा हो गया और ये आपका तलवार हो गया। जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को कमीशन सर्विस में 36 ईयर्स तक रहने के बाद चुना जाता है। यानी मान लीजिए अगर आप कमीशन ऑफिसर में जो है यहाँ पर 36 ईयर आपने दे दिए, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट जनरल चुन लिया जाएगा। वह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर आर्मी कमांडर्स का पद भी संभाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर जनरल की। ये आप, मैं अभी बात कर रहा हूँ कमीशन ऑफिसर की। कमीशन ऑफिसर में बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो मेजर
जनरल में बैच पर पांच किनारे वाला सितारा, ये आप देख सकते हैं सितारा, और इसके नीचे तलवार और डंडा क्रॉस रूप में, ये आपका डंडा हो गया और ये आपका तलवार हो गया। मेजर जनरल पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमीशन सर्विस में 32 इयर्स तक रहने के बाद ये पोजीशन मिलती है। ब्रिगेडियर की बात करें, आपने देखी होगी दोस्तों वो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तो यही पोजीशन थी वो, तो बैच पर पांच किनारों वाला, तीन सितारे और उनके ऊपर अशोक चिन्ह, ये देख सकते हैं आप तीन सितारे और ये जो है आपका अशोक चिन्ह। ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमीशन सर्विस में 25 साल रहने के बाद होता है। मान लीजिए आपने कमीशन सर्विस में 25 साल दिए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये पोजीशन मिल जाती है। कर्नल की बात करें तो पहचान बैच पर पांच किनारों वाले दो सितारे, ये दो सितारे आप देख सकते हैं और ये अशोक चिन्ह साथ में लगा होता है, ये अशोक चिन्ह भी दिख जाएगा आपको। कर्नल के पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमीशन सर्विस में 15 साल रहने के बाद होता है। 26 साल की कमीशन सर्विस के बाद भी यह प्रमोशन आपको मिलता है। उसके बाद बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल की, तो लेफ्टिनेंट कर्नल का बैज आप देख सकते हैं, तो बैज पर पांच किनारों वाला एक सितारा, ये सितारा देख सकते हैं और ऊपर आपका अशोक चिन्ह आप देख सकते हैं। कमीशन सेवा में 13 साल देने के बाद यह आपको ओहदा मिलता है। मेजर की बात करें तो मेजर बैच पर अशोक चिन्ह ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, तो समय सीमा के हिसाब से 6 साल की कमीशन सर्विस पूरी करने पर प्रमोशन मिल जाता है। कैप्टन की बात करें तो बैच पर पांच किनारों वाले तीन सितारे आपको यहां पर दिख जाएंगे, तो अगर आपके सामने कोई भी आर्मी ऑफिसर जा रहा हो तो आप उसे पहचान सकते हैं। 2 साल की कमीशन सर्विस पूरी होने पर समय सीमा के आधार पर यह प्रमोशन मिलता है। लेफ्टिनेंट की बात करें तो बैच पर पांच किनारों वाले दो सितारे, कमीशन ऑफिसर रैंक में सबसे शुरुआती पद यही माना जाता है। दोस्तों लेफ्टिनेंट वैसे एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, लेकिन कमीशन ऑफिसर की आप जो कैटेगरीज दे रखी है उनमें सबसे नीचे का पद यही होता है लेफ्टिनेंट, और आपका सबसे ऊपर का जो पद होता है वो आपका होता है फील्ड मार्शल। ये आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। और अब हम बात करते हैं आपके दूसरे पार्ट की, तो जूनियर कमीशन ऑफिसर की हम बात करेंगे। तो जूनियर ऑफिसर कि मैं आपका JCO जिसे बोला जाता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसमें आपका सूबेदार मेजर की बात करें हम तो पहचान बैच पर स्ट्राइप के साथ, स्ट्राइप यानी ये आपका जो होता है इसे स्ट्राइप बोला जाता है, अशोक चिन्ह प्रमोशन के बाद इस रैंक पर पहुंचा जाता है। तो रिटायरमेंट 34 साल की सर्विस देने के बाद, या फिर मैक्सिमम अगर आप 54 साल के हो गए, सपोज आपने आर्मी ज्वाइन करी 20 साल में और आपने जो है वहां पर 34 इयर्स दे दिए, तो आप 54 साल के हो गए, यहां पर आपको ये वाली पोजीशन तो मिलेगी सूबेदार की, और साथ में जो है आपको वहां से रिटायरमेंट भी मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम एज जो है रिटायरमेंट की 54 इयर्स ही रखी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं सूबेदार या रिसालदार की, ये आपका सूबेदार मेजर था और यहां हम बात करेंगे सूबेदार या रिसालदार। तो बैच पर स्ट्राइप के साथ दो सुनहरे सितारे, ये सितारे देख सकते हैं और ये आप स्ट्राइप देख सकते हैं। इस रैंक पर चयन के जरिए प्रमोशन होता है। रिटायरमेंट 30 साल की सर्विस या 52 साल की उम्र में जो भी पहले हो सकता है उसमें, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि आपकी एज यहाँ पर खत्म हो रही है और आप जो है इस सर्विस से रिटायर हो रहे हैं या फिर आपको प्रमोशन मिल रहा है। नायाब सूबेदार या फिर ना रिसालदार, दोस्तों आपने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी, उसमें आपके सामने ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे होंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि इनको क्या बोलते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है वो पता चल जाए कि उस वीडियो में आपके सामने क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तो आप जो है पहचान सकते हैं। तो इसकी पहचान की बात करें हम, बैच पर स्ट्राइप और एक सुनहरा सितारा, ये सितारा आप देख सकते हैं। इस रैंक पर प्रमोशन चयन के आधार पर होता है, कुछ स्थितियों में सीधे भर्ती पर भी यह पोजीशन आपको मिल जाती है। नॉन कमीशन ऑफिसर की बात करें तो यहां पर आपका हवलदार या फिर दफादार जिसे बोला जाता है, बैच पर तीन धारियों वाली पट्टी, इस रैंक पर चयन के आधार पर प्रमोशन होता है। तो यानी आपने मान लीजिए ये पोजीशन ज्वाइन करी सबसे पहले सैनिक की, सैनिक से ये, फिर ये और फिर ये। उसके बाद हम बात करते हैं नायक या फिर आपका लांस दफादार जिसे बोला जाता है, बैच पर दो धारियों वाली पट्टी, ये पट्टी आप देख सकते हैं। प्रमोशन चुनाव के आधार पर होता है,
रिटायरमेंट 24 साल की सर्विस देने के बाद यहाँ पर रिटायरमेंट हो जाती है, मैक्सिमम 49 इयर्स यहाँ पर उम्र रखी हुई है, यानी आप जो 49 साल के हो जाएंगे तो आपको यहाँ से रिटायरमेंट मिल जाएगी। लांस नायक की बात करें तो आपका यह एक धारी वाली पट्टी प्रमोशन चुनने के आधार पर होता है, यानी जब आपको जो है सिलेक्शन होता है तो आपका वहाँ पर प्रमोशन हो जाता है। 22 साल की सर्विस या 48 साल की उम्र, आप ये देख सकते हैं 22 साल की आपको सर्विस देने पड़ती है और मैक्सिमम 48 साल यहाँ पर जो एज रखी जाती है रिटायरमेंट की। सैनिक सबसे नीचा पद होता है आर्मी में, आपको पता ही होगा आई थिंक। तो पहचान, इसकी वर्दी पर कोई निशान नहीं होता, इसकी पहचान कोप से होती है, इसे कोप्स बोला जाता है, जिसमें वह सर्विस देता है। मसलन सिग्नल्स के सिपाही को सिग्नलमैन, पैदल सेना के सिपाही को राइफलमैन और बख्तरबंद कोप्स के सिपाही को गनर कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे आर्मी पोजीशन से लेकर और आर्मी रैंकिंग और बैजिस से लेकर वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ये दोस्तों आपके एग्जाम में भी आता है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।